मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में एज ए बवासीर रोग विशेषज्ञ, एज ए प्रोक्टोलॉजिस्ट, एज ए लेजर सर्जन दे रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगा कि क्या गर्भावस्था में पाइल्स या बवासीर होने पर हमको पाइलेक्स टैबलेट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पाइलेक्स और पाइलेक्स फूड टैबलेट सामान्यतः बाज़ार में ओवर द काउंटर अवेलेबल है और पाइल्स की कोई भी प्रॉब्लम होने पर हम केमिस्ट से दवाइयाँ खरीद कर खुद ही खा लेते हैं। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कंपनी के हिसाब से, हिमालया कंपनी के हिसाब से पाइलेक्स और पाइलेक्स फोर्थ टैबलेट हमको गर्भावस्था में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेने चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पर असर कर सकते हैं, इसलिए पाइलेक्स टैबलेट और पाइलेक्स फूड टैबलेट का प्रयोग प्रेगनेंसी में नहीं करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाइलेक्स फूड ऑइंटमेंट आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसका लोकल प्रयोग करना होता है, उंगली से लेके अपने मस्सों पर, लैट्रिन के अंदर, रास्ते के अंदर उसको आप लगा सकते हैं। मैंने पाइल्स पर बहुत सारी अपनी वीडियोज़ बनाई हैं और उनको आप देख सकते हैं और अपने डाउट्स सब दूर कर सकते हैं। लेकिन पाइलेक्स टैबलेट का प्रयोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भूल कर भी ना करें। जो पाइलेक्स टैबलेट होती है उसका प्रयोग हम पाइल्स में करते हैं, और जो पाइलेक्स फोर्थ टैबलेट होती है वो बेसिकली फिशर में, एनल फिशर में या ऑपरेशन के बाद यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय इन दोनों में से किसी भी टैबलेट का प्रयोग नहीं करके केवल पाइलेक्स ऑइंटमेंट का प्रयोग करना है। अब सवाल आता है कि क्या हम जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो, उस समय इस गोली का प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरी आपको सलाह है कि उस समय भी इस गोली का प्रयोग ना करें, केवल पाइलेक्स फूड ऑइंटमेंट का ही प्रयोग करें। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।